इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत मिलनी रही, बुढ़ापा आ गया, सब्र, कोई शिकायत नहीं, रब को यही मंजूर होगा, कोई सब्र। सब्र तहम्मुल कैसा, अपने काम में लगे रहे। खुल्लत का मुकाम जो खलीली और दोस्ती की जो ये शान अता की, उसका हक निभाते रहे, अपने उस महबूब को याद करते रहे और कोई शिकवा शिकायत नहीं। रिवायात में आते हैं कौल के मुताबिक 90 साल उम्र होगी, 90 साल, 90 साल की उम्र तक औलाद ही नहीं है। और आज हमें शादी के 6-8 साल ही होते हैं, 6-8 साल के अंदर ही अल्लाह की शिकायतें शुरू कर देते हैं। यार क्या बात है भाई, सबको औलादें मिल रही हैं, मेडिकल ही बिल्कुल ठीक है, हम भी ठीक है, वो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है यार, अल्लाह मियाँ क्या हो गया, हम ही औलाद नहीं, साथ वालों को देखो 12 बच्चों की डार फिर रही है। सब्र, क्योंकि ये सब, क्योंकि देखो असबाब इख्तियार करना ये तो वही चीज है कि असबाब इख्तियार करना आपका काम है, नतीजा जाहिर करना अल्लाह तबारक व तआला का काम। अंतुम तखलुकून अम नहनुल खालिकून, कुरान में अल्लाह ने कहा क्या तुम बच्चे पैदा करते हो कि हम पैदा करते हैं, गोया के बताया कि हम पैदा करते हैं, तुम्हारा काम सबब इख्तियार करना है और नतीजा मेरे सुपुर्द कर देना है, और जब अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं उस वक्त नतीजा जाहिर हो जाता। इब्राहिम ने कोई शिकायत नहीं की, बुढ़ापे में जाकर औलाद मिल रही है, इस्माइल मिल रहे हैं। अब बुढ़ापे की औलाद से मोहब्बत और उल्फत का क्या आलम होगा, आप समझ सकते हैं कितनी मोहब्बत होगी। अब वो ताल्लुक क्या हुक्म हो गया, इस शीरखार बच्चे को अब वो मक्का के जंगलों के अंदर छोड़ा, मुल्क शाम के अंदर मौजूद हैं और शीरखार बच्चे को मक्का के अंदर छोड़ने को हुक्म दिया जा रहा है। अब बताओ ये अल्लाह के नबी पूछ सकते, अल्लाह मियाँ छोटा सा बच्चा मासूम, मुझे कितना इसको इससे प्यार है, अब मैं इतनी दूर छोड़ा हूं, एक लफ्ज शिकायत कर, ठीक सब्र। अब आप बताइए, आप अपने बच्चे को इधर से उधर करने को तैयार नहीं है, स्कूल भेजते हैं तो 10 दफा टीचर से पूछते हैं आज बच्चा ठीक है ना, आधा घंटा पहले स्कूल के आगे खड़े होते हैं, हालांकि आधे घंटे बाद छुट्टी होती है, नहीं बच्चे को लेने जा रहा हूँ यार, बेचैन होते हैं बच्चा नजर आ जाए मुझे, और वहां हुक्म हो रहा है कि अब इसको छोड़ा हो। अब मुल्क शाम से वो मक्का के अंदर पहुंच रहे हैं, अपनी उस अपनी हसीनो जमील ताबेदार बीवी जिसके बतन से अल्लाह तबारक व तआला दौलत अता कर दी, कहा कि इसको भी और ये इस मासूम बच्चे को भी वहां बेआब हो गया जंगल में छोड़ा हो। आपने सब्र किया, एक हरफ शिकायत नहीं, ठीक वहां जाकर छोड़ा, वहां छोड़ने के बाद जब चले हैं हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही है, क्या हुआ आप हमें यहां जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, ना ना पानी ना साया, पीछे पीछे दौड़ रही है और कुछ नहीं बोल रहे, खामोश चल रहे, चल रहे। एक दफा पूछा, दो दफा पूछा, तीसरी मरतबा पूछा, यहां तक कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुद ही कहा क्या तो आपके रब ने ये हुक्म दिया है, आपने रब, आपके रब ने हुक्म दिया कि मुझे और शीरखार बच्चों को यहां छोड़ जाए जंगल में। जब यह पूछा तो इतना जवाब दिया, नाम हाँ मेरे रब ने हुक्म दिया, इतना कहा, इतना कहना था, हाजरा ने फौरन कदम रोक दिए, अगर तेरे रब ने हुक्म दिया है तो रब इंशाल्लाह हमें जाया नहीं होने देगा। उधर देखो, उधर अल्लाह की बंदी का तवक्कुल, ईमान का आलम देखो, कहा कि अच्छा तेरे रब ने हुक्म दिया है तो जाती तौर पे कोई हमसे बेजार नहीं है, तेरे रब ने कहा कि यहां छोड़ा तो फौरन उस अल्लाह की बंदी ने कदम रोके, ये नहीं पूछा अच्छा रब ने क्यों हुक्म दे दिया, मासूम बच्चा है, मैं जंगल बियाबान में, अल्लाह ने क्यों कहा, नहीं ये मैं और आप ये काम करते हैं, अल्लाह ने क्यों कहा, क्योंकि हम अल्लाह को खुदा ही सिखाना चाहते हैं, हम ये करेंगे सवाल, हमारी बीवियां ये सवाल कर देंगी, लेकिन वहां वो फौरन हाजिर रुक गई, कहा क्या कर इब्राहिम तेरे रब ने तुझे हुक्म दिया है तो फिर तुम्हारा रब जो हमें कभी जाया नहीं होने देगा, ये है वो तवक्कल, ये कहकर रुक गई, इब्राहिम चले गए। फिर आपको पता है कि क्या तफसीलात कि किस तरीके से वहां पर हाजरा ने कैसे वक्त गुजारा और कैसे फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने कुदरत के करिश्मे दिखाए। तो देखो उससे हाजरा ने सबर किया, कोई शिकायत नहीं, खामोश रुक गई, जितना तोशा था एक दिन में दो दिन में खत्म हो गया, अब पीने को पानी भी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है, बेचैन होकर दौड़ रही है, क्योंकि मुसाफिर नजर आ जाए, को साया नजर आ जाए, को पानी नजर आ जाए, सफा मरवा में सफा से दौड़ी मरवा तक जाती हैं, वहां दौड़ के देखती ऊपर नीचे, फिर नीचे भागती हैं, दरमियान में इसलिए भागती हैं क्योंकि बच्चा नजर नहीं आता, वो ढलवान की जगह वहां दौड़ती हैं, जल्दी से ऊंची जगह पे चढ़ के देखना चाहती है, फिर जो सफा के ऊपर आके देखती है कि बच्चा खैरियत से है, फिर दौड़ती है बेचैन,
अल्लाह को इस आशिका की अदा ऐसी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला उस अदा को इंसानियों को सुन्नत बना दिया। आज सफा मरवा में दौड़ रहे हैं, सफा मरवा में दौड़ रहे हैं, सफा से मरवा की तरफ, मरवा सफा की तरफ, क्योंकि उससे ये नजारा दिखा। इधर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कुदरत ही, और इस दौरान दौड़ने में वो हाजरा शिकायत नहीं कर रही अल्लाह से, अल्लाह में ये क्या कर दिया, आपने जंगल में लाकर डाल दिया हमें, ना पानी ना खाना। नहीं नहीं, बस यही, ये जो अल्फाज काउंट करते हैं, अल्फाज काउंट करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं कि क्या कहती है, सात चक्कर कट रहे हैं लेकिन एक हरफे शिकायत नहीं, अल्लाह मियां कहां डाल दिया, ना साया ना पानी। इधर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है और इस्माइल वो भूख से प्यास से तड़प रहा है, तड़प रहा है, एड़ियां मार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को हुक्म दिया, वो आए, उन्होंने उस मुकाम पे पर मारा, पर मारा जिस जगह पर उस नबी की एड़ियां, होने वाले नबी की एड़ियां लग रही हैं, वह पर मारा, वहां से चश्मा जमजम का फूट निकला। अब इनको पता ही नहीं, दौड़ रही है, भाग रही है, लेकिन महसूस किया कि यार यहां कुछ तसर्रुफ हुआ है, आगे देखा तो पानी, अब जल्दी से उसको पानी को बांध रही है। जमजम ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, जमजम का माना, तो जल्दी छोटी सी बाढ़ बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो बाढ़ ना बनाती तो ये चश्मा पूरे आलम में फैल जाता। आपने फौरन बाढ़ बना दी, जमजम जमजम जमजम, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये किस पर मिल रहा है? सबर पर मिल रहा है। कोई हरफे शिकायत नहीं, सबर पर अता किया जा रहा है।